नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तस्वीरें देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा, इस वक्त मैं अयोध्या की राम की पैड़ी पर मौजूद हूं, जहां आज एक साथ 9 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यह खूबसूरत तस्वीरें अयोध्या की हैं। यहां पर 9 लाख दिए तो जलाए ही गए हैं, इसके साथ ही साथ अयोध्या को इतने भव्य तरीके से सजाया गया है, यहां के मठ मंदिर और प्रमुख आश्रमों में इतनी शानदार लाइट की गई है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये शायद त्रेता युग वाली ही अयोध्या इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीरें राम की पैड़ी की है, जहां पर दिए की भी रोशनी है, इसके साथ ही साथ मंदिरों की भी पर जो लाइटिंग है वो भी आप देख पा रहे होंगे। लेजर शो के माध्यम से यहां पर कई कार्यक्रम किए गए, वो भी आप देख रहे होंगे। 9 लाख दिए जले, 3 लाख शहरों में दिए जलाए गए, कुल 12 लाख दिए आज अयोध्या में जलाए गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के कई सहयोगियों के साथ अयोध्या में मौजूद रहे, सरयू आरती में शामिल हुए। शानदार और भव्य आतिशबाजी भी अयोध्या में हुई। और इसके साथ ही साथ रामायण काल से जुड़े हुए प्रसंगों का मंचन भी यहां पर हुआ है। रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है। विदेशों से प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे, कई देशों के राजदूत भी अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या की यह दिवाली बेहद खास रही, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से एक बड़ा ऐलान किया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें मुफ्त में अब तक राशन मिल रहा था। अब मुफ्त राशन की जो सीमा थी उसे होली तक बढ़ा दी गई है, यानी आने वाले 4 महीने और गरीबों को मुफ्त राशन यूपी की 15 करोड़ जनता को मिल सकेगा। अयोध्या से ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बीजेपी के उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी आगे बढ़ाती है, जिन मुद्दों पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश और केंद्र में बनी थी, क्योंकि बीजेपी के लिए अयोध्या काशी मथुरा एक प्रमुख एजेंडा रहा है किसी भी चुनाव में, और उन्हीं एजेंडे के तहत बीजेपी यहां पर आपको चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में भी बीजेपी के लिए अयोध्या काशी और मथुरा का एजेंडा सबसे आगे रहने वाला है।